अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि आज ईटा के थ्रू पीएसटी का टेस्ट हुआ है पेशावर डिवीज़न के लिए, और इस सिलसिले में हम आज पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट वन है पीएसटी टेस्ट का, और ये पूरा कंप्लीट पेपर भी हम अपने चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। पेपर नंबर पर यहाँ पर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया आपसे पूछ जा रहा है, सिंपल इसका फार्मूला आपने इसका याद करना था या लगाना था। इसका राइट ऑप्शन है बी, 4πr² जो है इसका एरिया है, सरफेस एरिया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँ, अगर आपको पाकिस्तान भर में किसी भी इदारे का ओरिजिनल हलशुदा पेपर चाहिए तो आपको सिंपली हमारे चैनल की इस प्लेलिस्ट में आना है, और यहाँ पर आपको तमाम तर पेपर जो है मिल जाएंगे। खासकर ईटा के रिलेटेड जो है ना, ये पूरा ये आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, कल जो पेशावर डिवीज़न के लिए सिटी का पेपर हुआ है वो भी कंप्लीट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ दी खान और हज़ारा डिवीज़न के जितने पेपर हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खारिजा का थ्योरी एडवोकेट्स द स्टूडेंट बी फ्री टू चूज़ एंड हाउ व्हाट दे स्टडी। ये जो है ये थ्योरी, इसका राइट ऑप्शन जो है, इसमें मुझे खुद कंफ्यूजन है। अगर आपको इसका कंफर्म आंसर है तो आप बता दें। आई थिंक इसमें या प्रैग्मेटिज्म है या एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसमें से कोई होगा, लेकिन आप इसका कमेंट में राइट ऑप्शन बता दें। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन था नंबर 3 पे, जॉन डेवरी सेड दैट एजुकेशन इज़ अ खारिजा प्रोसेस। तो ये इसका राइट ऑप्शन है डी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवरी के मुताबिक ये जो एजुकेशन है ये एक सोशल प्रोसेस है, तो इसका राइट ऑप्शन डी था। नेक्स्ट इसके बाद है नंबर 4, कवायद के रूप से महाराजा कौन सा इस्म है। तो महाराजा जो है ये, अगर हम कवायद की लिहाज से देखें तो ये है इसमें मुकब्बर, एक चीज़ को बड़ा करके दिखाना, और इसमें मुसगर होता है छोटा करके दिखाना, तो ये बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 5 पे, ये जो एक ख्याल है कि एक किताब है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसका मुसन्निफ कौन है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन है सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस सबक का मुसन्निफ है। उमेर ज़हीन लड़का है, मुरक्कब की कौन सी किस्म है। ये जो है इसमें जहाँ तक मेरा आइडिया, इसका राइट ऑप्शन है बी है, क्योंकि मुरक्कब नाकिस वो होता है जिसका मतलब मीनिंग कम्प्लीट ना हो, मुरक्कब अतफी जिसमें मतलब और या इस तरह के इजाफे हो और जारी भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, ये जो है मुरक्कब ताम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्निक इन विच वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट इज़ विच इवेपोरेट्स इजिली इज सेपरेटेड फ्राम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डिस्टिलेशन है, और इसमें थोड़ी बहुत मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन आई थिंक इसका राइट ऑप्शन यही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसका राइट ऑप्शन कोई और है तो वो भी कमेंट में आप मैंशन कर दें। नंबर 8 पे है, मैरिज इज़ सीन, मैरिज को देखा जाता है इन डेजर्ट में ड्यू टू विच फिनमिना। ये 7th क्लास में आई थिंक किताब से लिया गया है, बहरहाल ये है, इसका राइट ऑप्शन सी है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो फिनमिना है मैरिज होता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। नंबर 9 पे है, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर अबव द अनडिस्टर्ब पोजिशंस। अब ये आपको व्यूज़ का पता है कि इस तरह का व्यूज़ होता है, तो आपके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्रस्ट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन यही है ए। ये आपसे यही पूछ रहा है कि ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, क्रस्ट। ही लॉस्ट द मैच, ये जो है ये प्रपोजिशन है, उसने मैच मतलब वो हार गया, फॉर हिज रेवल टू अंडर एक्रॉस। तो इसमें जहाँ तक मैंने सर्च किया, इसका राइट ऑप्शन आई थिंक बी है, टू हिज रेवल जो है ये जो है सही है, इसका राइट ऑप्शन शी इज़ एज थिन, वो इतनी पतली है जैसे किसके साथ। अब आप कंपेयर करना है तीन को, तो यहाँ पे तीन जो है इसके साथ तमाम जो है बाकी सही नहीं लग रहे, सिर्फ ये ऑप्शन सी है, रैक। रैक किसे कहते हैं, रैक जिसमें हम ये बिल्कुल खेती बाड़ी वगैरह पे हम इससे काम चलाते हैं, हल की तरह इस तरह की, मतलब स्ट्रेट बिल्कुल पतली सी एक वो होती है रॉड टाइप, तो ये उससे रिलेटेड है, मिलती जुलती चीज़ है, तो आपने वो इतनी पतली है जिस तरह की रैक, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन किस टाइप के सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो वी मिस्ड आवर ट्रेन, ये बिल्कुल कम्प्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद है वी वर लेट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कम्प्लीट। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है इसके बाद, आदाब मजलिस की तालीम किस सूरत में दी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सूरत मुजादला में। इसके बाद है, व्हेन सी वेव्स इरोड द बेस ऑफ द क्लिप डीप डिप्रेशन आर फॉर्म इन द क्लिप सच डिप्रेशन आर कॉल्ड, इसका राइट ऑप्शन है डी, सी आर्क्स इसको कहते हैं। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 भी जल्द अपलोड हो जाएगा, और ये कंप्लीट पेपर भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो इस चैनल को, इस पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।